नमस्कार भारत 360 को आपण मानक स्वागत करुच्छी मु बंदिता खबर को आसवा सारा देश में धूमधाम रे पालित होउची तेबे अशांत हो पड़ी राजस्थान रो जोधपुर गतकाली विलंबित राति रे पताका एवं लाउडस्पीकर को नै आरंभ होइतिबा विवाद ए जाय शांत पड़ी नाही। स्थानीय लोके पुलिस ऊपर को पत्थर माड़ करिसेंती। घटना पर समग्र अंचल रे इंटरनेट सेवा बंद रखा जाइछि। संवेदनशील स्थान रे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन होइछंती। जोधपुर में सोमवार संध्या रे ईद पूर्वरु जलोरी गेट अंचल रे पताका उत्तोलन को नै विवाद आरंभ होइथिला। यहपर दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष होता। पुलिस फोर्स उपस्थित में नमाज पाठ करपटे जोधपुर में तीन दिनिया परशुराम जयंती पालन कर दुई संप्रदाय द्वारा धार्मिक पताका लगवाक नहीं बिवाद उपजी। एपरिक दुई गोष्ठी मध्य मारपीट भी होती। परिस्थिति को आयत्त करने को जा पुलिस लाठीचार्ज कर लुहबुहा ग्यास भी प्रयोग कर चारु पांच पुलिस अधिकारी आहत होती। घटना को नहीं राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उभय पक्ष को शांति बजाय रखा अपील कर कोई वजह नहीं है। ये तो कुछ न्यूसेंस जो बच्चे हैं उन बच्चों ने कोई ऐसा किया और उसने बड़ा रूप ले लिया। मैं पूरे इस जोधपुर शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो जोधपुर में भाईचारा और अपनायत का जो राह है शहर, वैसी अपनायत हमारे बीच में रहे और सारे यहां जोधपुर शहर के वासी, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग के हैं, हम सब लोग मिलजुल कर सभी त्यौहार एक साथ बैठ के मिलकर मनाएं। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है अमन और चैन के साथ जो है अपने ईद भी मनाएं। हमारी जयंती है परशुराम जी की, वो जयंती भी मनाएं और आज आखा तीज भी है, एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। आखा तीज पे जो है ये अबू सावा जो होता हमारा, तो हम सब लोग मिलकर इन सभी त्योहारों को एक साथ बैठ के मिल के मनाएं। ये जोधपुर जो है काफ़ी शांति का शहर है और ये शहर का जो शांति है, जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं उसको आप बनाए रखें, हमें सहयोग करें और मैं सभी को यही कहूँगा आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहें। और मैं सभी को जो भी हमारा मुसलमान भाई बंधु है उनको मैंने ईद का मुबारकबाद दे रहा हूँ। पुलिस के हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, हमने सफिशियंट जाप्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकाल रहा हूँ, सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए सर उसी तरह से सक्षम। रुषिया विजय दिवस पूर्व बंद होबनी यूक्रेन पर आक्रमण। 68 दिन में रुषिया यूक्रेन युद्ध पहुंचा बेले युद्ध रोकवाक चली प्रयास एवं प्रयास वर्तमान पर रोक लगे रुषिया वैदेशिक मंत्री बयान। सर्गे लाभ्रोव घोषणा कर मे 9 अर्थात रुषिया विजय दिवस पूर्व रुषिया तार आभिमुख्य कौन परिवर्तन करना पूर्वपरि यूक्रेन उपर आक्रमण जारी रखिबो रुषिया। यहापर सारा विश्व में एवं गोटे कथा चर्चा हो मे 9 तारीख में युद्ध विराम नहीं घोषणा हो पारे। सेपटे 67 दिन धरी आक्रमण करिबा परे भी यूक्रेन उपर विजय हासिल कर पारनी रुषिया। एपरिक यूक्रेन बहु बड़ बड़ सहर को भी कब्जा कर पारे एजाए सफल होनी रुषिया। फेब्रुवारी 24 रे रुषिया जितेबाला यूक्रेन उपर आक्रमण करथिला सेतेबेले कहिथिला कि 5-6 दिन मध्य यूक्रेन को हरइबो। हेले आशा ठारु अधिक दृढ़ बना होई यूक्रेन लड़े करिछि एवं एजाए यूक्रेन सेना युद्ध में दृढ़ भाव छिड़ा होती। युद्ध द्वारा रुषिया बहु क्षति होता बेले राष्ट्रपति पुटिन भी चारिआड़ समालोचनार शिकार होती। एभली स्थित में रुषिया एवं युद्ध शेष करने को चिंता करिपारे बोली कहा जाइछि। तीन दिनिया यूरोप गस्तरे थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क गस्तरे जिबे। सेठारे भारत नार्डिक सम्मेलन में भाग नेबे प्रधानमंत्री। गतकाली बर्लिन में प्रवासी भारतीय को संबोधन करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए अवसर में प्रवासी भारतीय माने मोदी को जोरदार स्वागत करथिले। प्रधानमंत्री कहिथिले आपण मानको भल पाइबा मते उत्साहित करिछि। आजर भारत नुआ संकल्प नहीं आगे चलिछि। देशर विकास एते द्रुत गति रे हेउछि। भारत एबे समय अपचय करबाको चाहुनी। युवपीढ़ी माने देशर विकास रे शामिल हेबा पई आगे आछंती। जेतेबेले देशवासी विकास नेतृत्व नियंती सेतेबेले देश उन्नति आड़क अग्रसर हुए। मोदी एका नुहंती 130 कोटी भारतीय परिवर्तन आनिछंती। 7-8 वर्ष भितर स्टार्टअप 400 बढ़ी 68,000 पहुंच सारी। भारत 100 देश को कोरोना टीका जगह जितेबाला दुनिया में खाद्य अभाव देखाई से समय भारत में उत्पादन बढ़ी मोदी कहते निज संबोधन में कांग्रेस सरकार को टार्गेट करते मोदी। एबे पूर्व भली होनी दिल्ली 1 टंका पठा गले 85 पैसा बाटमारणा होनी जहाँ पूर्व होता। डिजिटल पेमेंट जरिया एवं सरकार सब् योजनार फायदा पाई देशवासी समस्त सुशासन जगैदे मोदी सरकार मूल लक्ष्य बोली मत प्रकाश पाई।
दुनिया के हर कोने में। कांग्रेस विधायकों को दिल्ली डाकरा, राहुल गांधी को भेटिबे समस्त विधायक। राज्य कांग्रेस को खूब शीघ्र मिलिबाकु जाउछि नुआ पीसीसी सभापति। एने हाईकमांड विचार विमर्श जारी रखिथिबा बेले कांग्रेस विधायकों को दिल्ली डाकरा आसिछि। आसंता 5 तारीख रे राहुल गांधी को भेटिबे समस्त विधायक। राहुल को भेटिबा परे सोनिया को सह आलोचना हेबो बोली सूचना मिलिछि। तबे एने कि विधायक सुरेश राउतराय सूचना देछंती दल एवं संगठन विषय रे आलोचना हेबो बोली कहछंती सुर। प्रभारी चेला कुमार को मानस मंथन परे एबे दिल्ली रु डाकरा आसिछि। पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक इस्तफा दे सारिथिबा बेले कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र और सचेतक पदर तारप्रसाद बाहिनीपति इस्तफा दे सारिछंति। ए तमाम प्रसंग रे आलोचना हेबा रे सूचना मिलिछि। दिल्ली डकरा समस्त हेलाणी आपन डकरा भेइछि केबे जिबे कोन कार्यक्रम रहिछ। देखंतु 5 तारिख दिन राहुल गांधी विधायक मानक भेटियाक चाहौछंति ओडिसा रो। तेनो खबर आछि सकाळ फोन करिकि जणैछंति एवं 5 तारिख दिन आम राहुल गांधी जाई भेट देखा से कौन आलोचना करने को चाहूँगी। संगठन विषय ओडिशार प्रगति विषय आम आलोचना कले ही जानपर कौन आलोचना कर देखु। पीसीसी सभापति पुणी आम बारंबार कही ये हाईकमाण निष्पत्ति अनुसार हुए आम प्रभारी चेला कुमार आसते ये प्रोसेस आरंभ हो जाए। निरंजन पटनायक इस्तफा दे सारी तेणु कौ मुहूर्त या विषय घोषणा हो पाए और राहुल गांधी डाकिंग ओडार सब विधायक मानक नेता मानक आम जा आलोचना करूँ तापर निर्देश बाहर देखु। ता मुझे मूल कांग्रेस हाईकमाण निष्पत्ति ने किए पी सभापति हे जहाँ सी उचित मन करेंगे ये जो ओडार जो कांग्रेस अवस्था अच्छी स्थिति अच्छी सुधार आने से जहाँ पर आस्था रखे समस्त आम ग्रहण करेंगे। भुवनेश्वर बहु लोक तर्जमा कराई डॉक्टर अच्युत सामंत तथागत शतपथी विजय महापात्र ब्रज त्रिपाठी तथागत शतपथी समस्त मत नहीं मत नौ आम को डाक मत ने सब प्रकार मत को नहीं फेणकि जदि किसी रस बाहर ओ ब्यूटीफुल कले राहुल गांधी देखा करी से डाकि जदि सोनिया गांधी डाक देखा करी ना सीधा बैक। अच्छा शो को नोटिस क्या पचारे कि नोटिस कौन मुझे नोटिस दे पा कहला अति संतुष्ट आउ नोटिस कौन नोटिस मिले गला। कटक डेपुटी मेयर दमयंती माझी घर भांगा को इडकोर नोटिस। इडको जगतपुर अंचल ड्रेन तैयारी काम आरंभ करने को अंचल दमयंती बस्ती आसुवर घर खाली करने को नोटिस जारी करा डेपुटी मेयर दमयंती प्रतिक्रिया देवा मना करपटे एने प्रतिक्रिया रखिंट कटक मेयर सुभाष सिंह इडको सीएमसी को न जनाई नोटिस जारी कर सीएमसी बिना अनुमति में बस्ती उच्छेद हो पार ना सुभाष तांक सहित इडको सहित कथबार्ता होती बस्ती उच्छेद कथ आसिले बिना महानगर निगम अनुमति बिना बस्ती उच्छेद हो पार ना सहित आलोचना करोटी आम थैथान करूँ तापर जब आलोचना कथा आ डेपुटी मेयर दमयंती माझी घर संपर्क में मुझे अधिकारी सहित कथबार्ता करेन जो जाऊँ से संपर्क में घर छाड़ी केमी व्यवस्था हो पार से व्यवस्था संपर्क में आलोचना कर एक अफिशियाल प्रोसेस जहाँ आगे थी से अनुसार से नोटिस एटा आम जो जानलु इंटरव्यून कर बिना सहमति बिना महानगर निगम कौन सी उच्छेद कौ जगार सहर मध्य हबार संभावना चान्स ना इनफोर्समेंट एजेन्सी हूँ महानगर निगम सीएमसी तार बिना सहयोग बिना अनुमति रे कौन सी सरकारी संस्था जहाँ सब अच्छी से रेलवाई हो से इडको हो आउ जी हो भी सी कौन सी मनु मन किसी उच्छेद पदक्षेप नहीं पारे ना ड्रेन कौन सी डेवलपमेंट काम बंद करा जीवन तार समाधान आम करूँ से कथा आलोचना कर सारी ये संपर्क जो नोटिस बाहर तांकर ऑफिशियल गोटे जनरल प्रोसेसर अच्छी करमें ताको हस्तक्षेप करा बाट समाधान सीएमसी कर चाषी को राज्य सरकार अक्षय तृतीया भेटी आज चाषी को मिल कालिया टंका। खरीफ चाषपी चाषी आकाउंट को 2000 टंका पठाइबे मुख्यमंत्री। 40 लक्ष क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी को मोट 800 कोटी टंका डीबीटी माध्यम पठाजिबो। लोकसेवा भवन में राज्यस्तरीय अक्षय तृतीया उत्सव में चाषी आकाउंट को सीधासलख टंका पठाइबे नवीन। ए अवसर में चाषी सुगम पोर्टल कृषक ओडिशा पोर्टल ओडिशा मिलेट मिशन प्रशस्तिकरण प्रमुख कार्यक्रम सह किसी चाषी को संवर्धना करार कार्यक्रम भी अच्छी। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग
पक्षरु अक्षय तृतीया उत्सव पालन करा चाष सह समन्वित चाषीों पर भी स्वतंत्र कार्यक्रम वर्षक दुईट किस्ती में खरीफ और रबि चाष पर 2000 टंका लेखाएं कालिया सहायता देउछन्ति सरकार 2018 डिसेंबर मासरे कालिया योजना करिथिले सरकार। पुणि घारिलाणी बात्या भय आंडामान सागरु आसीपे बात्या संभाव्य बात्या आसानी को नहीं बढ़िलाणी आशंका डहडह खरा समय समुद्र विपद आशंका करा आईएमडी सूचना अनुसार आसंता काली दक्षिण आंडामान सागर में घूर्णिबल सृष्टि 6 तारीख बेलक सृष्टि लघुचाप परवर्त 24 घंटे सुदृश्य लघुचापर परिणत हो 7 तारीख बेलक बात्यार रूप नहीं पारे बात्या ओडिशा रे लैंडफॉल करिबार संभावना अधिक थिबा पाणिपाग विशेषज्ञ माने कहि आछंती संभाव्य बात्या को नहीं बीएमसी आरंभ करिछि मुकाबला प्रस्तुति एवं एसआरसी को निर्देश क्रमे प्राथमिक बैठक रे तळिया अंचल लोकों को बात्या आश्रय स्थल को स्थानांतर करिबा 72 टी आश्रय स्थल को प्रस्तुत रखिबा वर्षा समय रे जलबंदी ड्रेनेज समस्या उपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि 31 टी संवेदनशील ड्रेन चिन्हट करा जाई काम आरंभ होईछि बात्या परर स्थितिर मुकाबला पई आवश्यक सामग्री महजूद रखिबा को निर्देश दिया जाइछि सेपरि अग्निशम वाहिनी ओड्राफ टीम को भी प्रस्तुत रहिबा को कहा जाइछि। मुकाबला पई बीएमसी प्रस्तुति बैठक मध्य करथिला एवं मुकाबला नै वर्तमान विभिन्न विभाग सह आलोचना मध्य करा जाइछि प्रारंभिक स्तर रे जदि बात्या हेउछि किबा जदि बात्यार संभाव्य सूचना आसुछि निर्दिष्ट भाबरे ताहेले सब विभाग को अलर्ट मोड रही कहुई और ड्रेनेज और पानी जनित समस्या को सुधार आणवाई जिते जल्दी संभव से नहीं प्रक्रिया आरंभ करने को बीएमसी तरफ बैठक में सूचना दि जाए विशेषकर बात्या समय कि बात्या परवर्त समय जो विद्युत काट रहे तो विद्युत काट को किमती रिस्टोर करहब तापे व्यवस्था करने निर्देश दि जाए तेज ए संपर्क में अधिक आलोचना न्यूज रूम को जी मो सहयोगी लक्ष्मीनारायण नंद लक्ष्मी टी आपठ जानवाक चाहिए वर्तमान बात्या नहीं कौन आकलन सब आमना को बिल्कुल बंदिता आपण जो कथा कहिले जे संभाव्य बात्या को नहीं आम समस्त तत्पर होगा आरंभ कर सारे एपटे भिन्न भिन्न पाणिपाग विज्ञान संस्था घर संस्था भिन्न भिन्न आकलन करुँचर्यंत जदि आईएमडी बा भारतीय पाणिपाग विज्ञान संस्थान ए संपर्क में स्पष्ट सूचना देना तथापि बात्या आसवा आशंका को आम एड़ाई पारा ना यह भितर अनेक घर संस्था कहते पाणिपाग विज्ञान संस्था कहते जो मैंने बात्यार गतिपथ को प्रत्येक बात्यार गतिपथ को टेक्निक जांच कर सतर्क रखि था सेमकर मतरे किसी संस्था कहते कि मडेल कहे हूँ तो पश्चिमबंगे माड़ हो पाए लैंडफल करपे जदि बात्यार रूप निए आउ किसी मडेल कहते हे तो आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम विजयनगरम विशाखापट्टनम यहीपटे लैंडफल करपे एवं ए पर्यंत स्पष्ट सूचना मिलना किंतु दुई दिन तले जिते बड़े कहुला यह पारादीपुर आपणकर बालेश्वर भितर जेकोसी स्थान में जमीक भद्रक पखापाखि लैंडफल करपे आकलन करवर्त समय यह सामान्य परिवर्तन करा पश्चिमबंगर सुंदरबन पश्चिमबंग उपकूल आड़े ओडिशा बालेश्वर पश्चिमबंग मझिया मझी ये लैंडफल करपे आकलन कर विस्तृत भाव दर्शक को देखा जो आम रखीचे टॉपिक रखीचे लघुचाप स्पष्ट बात्या अस्पष्ट एमें कहे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता सत कि बात्यार कथ आम एपर्त स्पष्ट भाव में कहींपर ना तथापि जो मडेल किसी आकलन कर दिग बेग कौन हो पाए क्यों लैंडफल करपे पवन रति के रही पाए एवं संभाव्य दिग कौन हो पाए क्यों लैंडफल कर संपर्क में आम दुईट मडेल को आम अनुसरण कर दर्शक मान देखा चाहिए देखो जो आम देखीचे दुईट संस्था आम कहते ECMWF एवं GFS ए दुईट मडेल को आम अनुशीलन करवा प्रथम दर्शक मान देखा चाहूँ ECMWF रा आकलन कौन कौच ये हूँ 3 तारीख चित्र 3 तारीख 12टा मानने वर्तमान चित्र जहाँ रही 12टा गोटे भितर चित्र देखते कौन सी पूरा क्लीन अच्छी ए पर्यंत कौन सी चित्र स्पष्ट जमापड़ा कि आसंता काली अर्थ 4 तारीख कथ आसवा 4 तारीख समय सामान्य डिस्टर्बेंस सृष्टि होती देखते सामान्य टी बल जुटेला भाई लगुच गोटे गोटे वायु प्रवाहित होगा भाई ये अनुमान कर निर्दिष्ट यही पॉइंट्रे जी 5 तारीख कथ कह 5 तारीख में देखू डीप होबार लगला अर्थ यही जगह टी स्पष्टता आसला जे बात्या रूप नहीं पारे कि यही संभावना आसला जिते बारे आपत जमी कहते 6 तारीख बेलू स्पष्ट हो
ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଜୁଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ଦେଇ ଏହା ଗତି କରୁଛି, ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହିଁବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନକ ପରେ ଦିନ ଆମେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ବେଗ ଗତି ଟିକେ ବଢ଼ି ବି ଯାଉଛି। ଏପଟେ 9 ତାରିଖ କଥା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଝାମଝି ଏହା ଗତି କରିବା ଅନୁମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଥା କହିବା ଏବଂ 9 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ECMWF ୱିଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ 9 ତାରିଖ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ପାରେ, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦିଗ କେଉଁ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିପାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ହଳଦୀବାରୀ ବା ଗଙ୍ଗାସାଗର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ପାଖାପାଖି, ଜଳେଶ୍ୱର ଏଇ ହଳଦିଆ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ କ'ଣ ରହିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ 58 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ। ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆକଳନ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆକଳନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ୟୁରୋପିଆନ୍ ମଡେଲ ଯାହା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ସେଇ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୌଣସି ମଡେଲ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ GFS ଦେଖିବେ, GFS ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡରକୁ ନେଲା ବେଳେ ECMWF ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡରକୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛିଟା ମଡେଲ ଦେଖିବେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ନେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲି ECMWF ଦେଖୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବ। ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ଡାଟା ନାହିଁ, ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇନି ଆମର ବେସିନରେ, ନା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ନା ଓସେନ ଅବଜରଭେସନ ଏତେ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ସାଟେଲାଇଟ ଉପରେ କିଛିଟା ଡାଟା ନଉଛୁ। ମେଜର ଆମର ଯୋଉ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମଡେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଉପରେ, ମଡେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଇନିସିଆଲ ଡାଟା ହିସାବରେ, ଇନିସିଆଲ ଡାଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଯିବ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ମଡେଲ ଗୁଡା କନଭର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ECMWF GFS ଆଇଦର ଓଡ଼ିଶା ଯିବେ, ଆଇଦର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯିବେ, ଆଇଦର ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ କି ବର୍ମା ଯିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ ଦେଖିବେ, କିଛି ସର୍ଟେନିଟି ଆସିବନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସର୍ଟେନିଟି କହିପାରିବେ, ଯେମିତି IMD କହିଛି 4 ତାରିଖ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ହବ, ଆପଣ ଯଦି ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜ ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାମାନେ ଲଘୁଚାପ ହେବା ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ତ ବନିବ, କାରଣ ତାର ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ଇନିସିଆଲ ସିଗ୍ନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ସାଉଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଆଉ ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ବେର ଦେଖିବେ, ସେ ସବୁ କ୍ଲାଉଡ ବଢିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସେ ବନିଯିବ ଯାହା IMD କହିଛି 6 ତାରିଖ ଦିନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବନିଯିବ। ତାପରେ ତାର ସଂଗଠିତ ପାଇଁ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦରକାର ସିଏ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ରହୁଛି ସେ ବାତ୍ୟା ବି ବନିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହଉଛି ସେ ବାତ୍ୟା ଯଦି 6, 7 କି 8 କିଆଡେ ବନେ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ, ଆଉ ବାତ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ କ'ଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସରଟା ତାର ରିଜନେବୁଲ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଖାଲି ଯାହା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଅନୁମାନ ଭିତ୍ତିକ ଯେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ସେଇ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ସିଚୁଏସନ୍ ନୁହଁ। ହଁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ସୁନା କିଣିଲେ ଘରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିସ୍ଥିତ ଜାଗମରାଠାରେ ଥିବା J&T ଜେମ୍ ଜୁଏଲାରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି।
लोक मान जो विश्वास अच्छी साधारण जो विश्वास अच्छी अक्षय तृतीया घर को सुना किणी आणले लक्ष्मी वृद्धि होता है। परवर्ती समय से विश्वास को आगक नहीं विभिन्न अंचल लोक सुना किणले पर शुभ होता है। एक क्रम वर्तमान विभिन्न ज्वेलरी दुकान रे लोकंकर भिड़ देखा मिलूँ जगमरा जे एंड टी जेम ज्वेलरी लोकों गहली अच्छी अक्षय तृतीया सुना दुकान रे भिड़ अच्छी एवं विश्वास रही कि सुना किणिले पर शुभ होता है। एनेक अधिक आलोचना करिबा सीधा सड़क जा सीनियर करेस्पोंडेंट निरुपमा बेहरा निकट को। निरुपमा विश्वास को बर्तमान सार्थक करुछंती लोके केमती कोन गहली देखुछंती आपण सुना दुकान रे निश्चित भाव में बंदिता जहाँ कहले अक्षय तृतीया और धनतेरस दुईट दिन में लोक धातु किणवाई पसंद करती और धातु भितर सुना लोक मैंने अधिक आग्रह देखा सुना प्रति समस्त मन बढ़ी थाएं। आम बर्तमान अच्छू जगमरा छक जे एंड टी ज्वेलर्स आपंक सीधा सड़क प्रथम देखी भिड़ कि भाव में रही केमी आग्रह सहकार लोक सुना किणवाई आसो अधिक दाम आम कह सुनार दर वृद्धि पाई कि गत किद तुलन में आज सुना दाम सामान्य ह्रास पाई आम जदि देखा 2020 एवं 2021 संपूर्ण भाव में अक्षय तृतीया दुकान बंद रही बेले 2022 अर्थात चलित बर्ष निश्चित भाव में आम कह सुना दुकान खोली समस्त एक सुजोग रही व्यवसायिक तरफ जो भाव में अफर रही ग्राहक मैंने से मन भरी सुना किणवे आग्रह प्रकाश कराकों सहित कथा हाँ कमी देखुं आज दिन को कौन चिंता कर मैडम आप पचारे आज अक्षय तृतीया आप सुना किणवाई आसान तो कौटना कौटी गोटे विश्वास रोचे कि आज दिन में सुना किणिले भल हुए शुभ हुए से चिंता कर हाँ आम प्रत वर्ष किणी आसीचु यही दिन में यहाँ आम शुभ अटे तो से रिचुअलीगला बर्तमान केमती देखुं किणवाई आसचारकेट रहाल के देखुं दाम केमती देखुं आपन को सोला भाई रही ना दाम आग अपेक्षा बढ़ी आग अपेक्षा तो बढ़ी हाँ मार्केट खूब भल रही आग अपेक्षा दाम बढ़ी किंतु जेहेतु प्रतिवर्ष किणती प्रतिवर्ष सुना किणा जाए से निश्चित भाव दुकान को आसवापी आम ग्राहकों सहित कथा पूर्वर व्यवसायी सहित कथा हो कि रही आज दिन में अफर कौन रही केमती देखुं मार्केट महल को सार आपंकर आम जदि कह 2020 और 2021 संपूर्ण बंद रही अक्षय तृतीया समय देखा कोरोना पाई चलित बर्ष खोली कौन सब अफर रखुच बर्तमान आम लोएस्ट गोल्ड प्राइस आउ लोएस्ट मेकिंग चार्ज रही है 299 दी प्रकार फ्लाट मेकिंग रही सिल्वर उपर संपूर्ण मागणा रही आउ डायमंड 25% अफ रही आम चैलेंज प्राइस आउ चैलेंज मेकिंग चार्ज सहित आम लोक अफर दौ न्यू लेटेस्ट डिजाइन सहित मार्केट स्थिति केम देखुं व्यवसायी आग्रह रही जेहतु सुनार दाम टी बढ़ी निश्चित भाव में मार्केट स्थिति एवं व्यवसाय कौन आशा रही बर्तमान साधारण होगा मार्केट जहाँ टी डाउन थिला बर्तमान साधारण अवस्था को पलि आसला आक मन अक्षय तृतीया जो आम ओडिया भाई 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 मान पर रहे से दिन जदि कौन सुना रूपार गहना नहीं कि जाती शुभ माना जाए आहुत आग्रह रही सकल भिड़ रही दुकानी जहाँ व्यवसायी कहते भिड़ रही दुकान में पूर्व अपेक्षा दाम कमी मार्केट स्थिति बर्तमान भल रही आउ कि ग्राहकों सहित आम कथा आज दिन केमी पालन करते सुनारे इनभेस्ट कर मैडम कौन किणवाई आमती देखुं आज अक्षय तृतीया दिन को निश्चित भाव में आम बंदिता जो भाव एवं जो मान्यता रही धनतेरस और अक्षय तृतीया सुना किणिले घर को लक्ष्मी आसी थांती एवं शुभ रही था प्रत्येक काम आरंभ जमी भल से जो मान्यता अच्छे जो विश्वास रही से विश्वास को सार्थक बर्तन कर लोक मैंने सुना दुकान में गहली और भिड़ देखा मिली रेट जहाँ ही था कहीं निजर जो विश्वास आधार में बर्तमान किणाकिणी जोरसोर कर ग्राहक मैंने बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा सविशेष आलोचना।
नाइट क्लब रे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राहुल को नाइट क्लब वीडियो को नहीं चर्चा जोर नेपाल काठमांडू रे राहुल गांधी एक नाइट क्लब रे शामिल हेबा वीडियो वायरल हेबार लागिछि जेउतरे राहुल गांधी छिड़ा होइछंती ताको पाखरे तिबा जने युवती को सह से कथा हेउछंती ए वीडियो को नहीं कांग्रेस एवं राहुल गांधी को समालोचना करिछि बीजेपी जेतेबेले कांग्रेस शासित राजस्थान रे निया जळुछि दंगा भली परिस्थिति सृष्टि होइछि सेतेबेले राहुल नाइट क्लब रे शामिल हेबा केते युक्तियुक्त बोली प्रश्न करिछि बीजेपी सेपटे बीजेपी को जवाब दे कांग्रेस कहिछि राहुल काठमांडू रे ताको जने बंधु को विवाह उत्सव रे शामिल होइछंती या कोनी अजथा राजनीति करबा ठीक नहि राजधानी भुवनेश्वर ब्लाक पल्सर आतंक फुटिला गोली पुणी सुना दोकानी को टार्गेट कले लुटेरा गतकाली विलंबित राति रे समंतरापुर रे थिबा देवी दुर्गा सुना दोकान रु लूट होईची ब्लाक पल्सर रे आसी तीन जन दुर्वृत्त दुई राउंड फायरिंग करी लूट करथिले दोकानी को गोड़ रे गोली बाजी छी दुर्वृत्त को गोली रे जने गुरुतर होईथिबा बेले जने सामान्य आहत होईछंती खबर पाइबा परे घटनास्थल रे पहुंची धौली पुलिस एवं लिंगराज पुलिस तदंत आरंभ करिछंती।